खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और सिलाई कोर्स हमने स्टार्ट कर लिया है, ये रहा नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके सिलाई कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सिलाई कोर्स की फीस है जो 1000 रुपये रहेगी और 2 महीने के लिए कॉलिंग टाइम रहेगा, तो इसमें आप अच्छे से सिलाई सीख पाएंगे। खुशी बुटीक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ती के बैक पार्ट में चैन कैसे लगाएं। चैन या जिप आप बैक पार्ट में लगाना चाहते हैं कुर्ती या ब्लाउज के, तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये कुर्ती का बैक पार्ट है। इसमें मैंने अस्तर अटैच कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे बीच सेंटर की लाइन लगा ली है, और एक बुकरम के ऊपर मैंने रेड इंच चौड़ी बुकरम है, और इसके ऊपर मैंने कपड़ा मोड़ के पट्टी तैयार कर ली है। अब देखिए यहाँ पे कुर्ती की सीधी साइड रखेंगे और पट्टी की उल्टी साइड रखेंगे, और जहाँ तक हमें लगानी है वहाँ तक पहले निशान लगा लेंगे। निशान के ऊपर इस तरह से पट्टी रखेंगे आधा इंच मोड़ के, बिल्कुल बीच सेंटर में हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम कच्ची लगाएंगे। यहाँ जो हमने निशान लगाया है आधा इंच यहाँ तक निशान है, तो यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमने बिल्कुल बीच सेंटर में लगाई है, तो इसके एक एक पैर दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, ये बारीक चाल रखनी है मशीन की, यानी कि बारीक सिलाई रखनी है, और यहाँ पे इसके साइड में एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपको यहाँ तक लगानी है एक पैर की, इसके बाद में ये सिलाई तिरछी रख लेनी है, तिरछी मतलब इस कोने में मिला लेनी है जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। इस तरह से सिलाई का वी बना लेना है। इस मोटी सिलाई के दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है वी बना के। यहाँ तक इसके बाद में एक पैर की सिलाई स्टार्ट कर देनी है, और पूरी लंबी दूर तक एक ही पैर की सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई के दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब कच्ची सिलाई पे हम कटिंग करेंगे। कपड़े और पट्टी दोनों को अटैच किया हुआ है, तो साथ में ही कटिंग करेंगे। अब आपको पट्टी इस तरह से मोड़ देनी है अंदर की साइड, और ये जो कटा हुआ हिस्सा है इसको पट्टी की साइड रखना है, और यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब इस तरह से मोड़ देना है पट्टी को। सिलाई को भी इस तरह से मोड़ देना है, और दूसरी साइड की पट्टी पे भी सिलाई सेम तरीके से आएगी। इस तरह से मैंने पट्टी के ऊपर सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब पट्टी को यहाँ पे रखेंगे, और जो हमारे पास ये जिप है इसको हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से उल्टी रखनी है कुर्ती की सीधी साइड और जिप की उल्टी साइड, ऐसे रखनी है, और यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे जो ये जॉइंट है पट्टी और कपड़े का, ये जो जिप बीच की जो लाइन है बिल्कुल मिल जानी चाहिए दोनों की दोनों। इस तरह से जिप की लाइन और ये जो कपड़े और पट्टी की लाइन है इनको मिला लेना है इस तरह से रख के, और जिप के ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर देनी है।
अब देखिए पट्टी की जो दूसरी साइड है इसके ऊपर हमें ये जीप लगानी है। तो हमें इस तरह से लगानी होगी। पहले हम ऊपर की साइड से आधी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से गला बराबर रहना चाहिए। अब बची हुई सिलाई को दूसरी साइड से लगा लेंगे। पहली सिलाई हमने यहाँ तक लगाई और दूसरी साइड की सिलाई हम यहाँ से लगा लेंगे। ये जिप के दोनों साइड सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सीधी साइड से जिप दिखा देती हूँ। ये जिप का हुक है, यहाँ से हम इस तरह से जिप को खोल सकते हैं और यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये जिप लगी है। इसके दोनों साइड एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को मोड़ लेंगे और ऊपर की साइड ले लेंगे पूरी सिलाई को। ये मैंने कुर्ती के बैक में जिप लगा दी है। इस तरह से आप भी अपनी कुर्ती या ब्लाउज में जिप लगा सकते हैं, या गाउन में भी आप लगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से लगा सकते हैं। अब इसके नीचे एक पट्टी अटैच करनी है, यानी कि दोनों साइड यहाँ पे अटैच करनी है पट्टी और यहाँ पे पक्का कर देंगे। इस तरह की एक पट्टी बना लेनी है। आप बुकरम लगा के भी बना सकते हैं और बिना बुकरम के भी बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अटैच करनी है, यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे दोनों साइड से। इस साइड से भी बंद कर देंगे पट्टी को। अब कुर्ती को सीधी करेंगे। अब देखते हैं जिप खोल के यहाँ तक पट्टी आई है, यहाँ तक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई पक्की करनी है। जिप को बंद कर देंगे और यहाँ पे सिलाई पक्की कर देंगे। इस तरह से मैंने कुर्ती के बैक में जिप लगा दी है। ऐसे आप भी अपनी कुर्ती या ब्लाउज में चैन लगा सकते हैं, जिप लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।